दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक मार्केट भारत। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज नई कंपनी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। मैं देखो, जब मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका रिजल्ट आने वाला है, समझ लीजिए। ये 2-3 दिन में उसका रिजल्ट आने वाला है, आप समझ जाइए। तो मैं क्या करता हूँ, उससे पहले थोड़ा उस कंपनी के बारे में आप लोगों के ज़रिए मेरे को भी थोड़ा जानने की कोशिश मौका मिलता है। तो एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कंपनी, हाँ ये कंपनी इधर आने वाला है, हम लोग क्या करना है क्या है, थोड़ा बहुत अपने को जो है ना समझ में आ सकता है। इसमें ट्रेड करना नहीं करना, इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना, सबको थोड़ा थोड़ा जो है ना इन्फॉर्मेशन मिल सकता है अपने को। इसलिए मैं जो अच्छे कंपनी में उन्हीं की वीडियो बनाता हूँ, सब कंपनी के बारे में नहीं बनाता हूँ मैं, जो अच्छे कंपनी में उन्हीं के बारे में वीडियो बनाता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को भी जो है ना थोड़ा बहुत मालूम हो, हाँ ये कंपनी है, हाँ ये ऐसे अच्छे कंपनी, मतलब जो ब्रांड कंपनी है, जो अच्छे कंपनी है, वही वीडियो आपको लेके आता हूँ सामने। मैं देखो ऐसा ऐसे देख रहा था, बहुत सारी कंपनी है, मैं सबके वीडियो बनाते बनाते बैठूंगा तो हो गया मेरा काम भी। ऐसे तो आप लोगों को समझ समझ गया, अरे यार जो बने वीडियो बना के डालता, जो बने कंपनी की वीडियो बना के डाल देता है। आप लोग को सोचते ना भाई, इससे मैं वही कंपनी लेके आता हूँ जो अच्छी कंपनी है, उसी कंपनी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ मैं। देखिए 22 जून को जो है ना, 22 जून में बहुत सारी कंपनी के जो है ना Q4 के इधर आने वाले हैं, बहुत कंपनी के, आप देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे, उतने कंपनी के इधर आने वाले हैं। लेकिन मैं उसमें से जो है ना सिर्फ एक दो कंपनी के जो है ना मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो सही कंपनी है, जो अच्छी कंपनी है, उसी कंपनी के बारे में वीडियो बनाता हूँ मैं। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक करना भी ना भूलिए, लाइक करो तो क्या थोड़ा मज़ा आता है, चलो हाँ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ सामने वालों को पसंद आ रही है वीडियो, तो थोड़ा थोड़ा अच्छा दिखता है। चलिए मैं जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस कंपनी का नाम है NDTV इंडिया। NDTV सब लोग जानते हैं क्या है, कैसी टीवी है, कैसे मीडिया है, कैसा चैनल है, सब जानते हैं आपने, ज़्यादा इसके बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए मेरे हिसाब से ये इंडिया का बेस्ट चैनल है, मेरे हिसाब से इंडिया का टॉप चैनल है, इसके बाद ये सब मीडिया है, मैं इसी को टॉप लेवल पर रखता हूँ मैं, क्योंकि हाई ऐसा चैनल ही चैनल हाई ऐसा जो सही है, जो सच्चाई दिखाता है, वो चैनल है जो सच बोलने वाला चैनल है ना, उसमें से काउंट किया जाता है। और इसको जो है ना एक 15-20 दिन पहले ही इसको जो है ना Top 10 का अवार्ड ही मिल चुका है, पूरा Top 10 का अवार्ड मिल चुका है इंडिया ने, वर्ल्ड में पूरा ये समझे, वर्ल्ड में Top 10 में इसका शामिल किया गया है इसको, और इसको जो है ना अवार्ड मिला है, बेस्ट चैनल अवार्ड भी इसको मिला है। चलिए अब आपकी इस कंपनी के बारे में बात करेंगे, इसका प्राइस क्या चल रहा है शेयर मार्केट में, शेयर का सब कुछ थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए इसका करंट प्राइस जो है ना 19 जून को जो है ना 37.25 रुपीज़ था इसका। और देखिए नीचे जो है प्रीवियस क्लोज जो 18 जून को जो क्लोज हुआ था 36.95 रुपीज़ था, और ओपन जो हुआ 19 जून को 36 रुपीज़ ओपन हुआ, हाई गया 38 रुपीज़ और लो गया 35.50 रुपीज़। और इसका VWAP इंडिकेटर देखेंगे तो 37.52 रुपीज़ इसका। और थोड़ा नीचे आते हैं, देखो 52 वीक हाई इसका जो है ना 53.15 रुपीज़ है, 53 रुपीज़ एंड 50 पैसा इसका 52 वीक हाई है, और इसका 52 वीक लो इसका है 19.20 रुपीज़ है इसका। यानी कि लगभग निकाल दीजिए 19.20 रुपीज़ जो है ना लगभग 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले शायद ये लग चुका है, ये वहाँ से भी रिवर्स हुआ है, बिकॉज अभी COVID-19 के तरफ से इसको भी जो है ना इसको भी अफेक्ट लग चुका है इसमें। और नीचे चलते देखिए इसका 2 वीक एवरेज क्वांटिटी इसका ना 5016 है, 2 वीक एवरेज क्वांटिटी इसका जो मार्केट में जो है ना जो ट्रेड किया हुआ है उसका दिया हुआ है। और देखिए इसका टर्नओवर जो है ना 4 लाख में दिया है, 4,51,000 रुपीज़ का टर्नओवर है, और इसका मिड कैप फुल करोड़ में है, देखिए मिड कैप फुल करोड़ में 240 करोड़ है इसका, 240.16 करोड़ है इसका। और उसका फेस वैल्यू 4 रुपीज़ है, बेस्ट है ये 4 रुपीज़ यानी कि बेस्ट है, बड़े बहुत सारे कंपनी के 1-1 रुपया फेस वैल्यू रहता है, और ऑलमोस्ट कंपनी का 10 रुपये से शुरू 10 रुपये से नीचे रहता है। और इसका इसका जो है 4 रुपये दिए यानी कि बेस्ट है। और इसका PE देखिए, PE भी ज़बरदस्त है, इस कंपनी के हिसाब से ज़बरदस्त है, बेस्ट है, 17.75 जो है ना इसका PE है, 17.75 इसका PE रेशियो है, यानी कि बेस्ट है ये इसके इस कंपनी के हिसाब से बेस्ट है ये। और इसकी इंडस्ट्री देखिए, ब्रॉडकास्टिंग केबल टीवी में आता है ये, ग्रुप टी में आता है। और नीचे चलते हैं देखिए,
उसका अनाउंसमेंट जो हुआ बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट में बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन इंटीमेशन फॉर नोटिस ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड का डायरेक्टर हुआ 17 जून को इसका बोर्ड मीटिंग हो चुका हुआ है, और इसका सेबी के साथ भी इसका मीटिंग हो चुका है, 3 जून को मीटिंग हुआ है, और इसके क्लासिफिकेशन ऑन स्पॉट इन प्राइस का भी इसका जो है ना 15 मई को इसका उन्होंने मीटिंग हुआ है, और क्लारिफिकेशन शॉट फ्रॉम न्यू दिल्ली में न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड के साथ भी इसका मीटिंग हुआ है 14 मई को हुआ है, और इसका जो ना देखिए डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी के साथ भी इसका मीटिंग हुआ है 2 मई को हुआ इसका। अब देखिए नीचे कॉर्पोरेट एक्शन में जानने की कोशिश करेंगे क्या इसका, देखिए कॉर्पोरेट एक्शन में जो है इसके डिविडेंड कितने बार दिए उतना ही इसमें जितना ही देखिए साइट पे मेंशन है उतना ही बता रहा हूँ, आपने इससे कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया, जो सही है वही आपको दिखाता हूँ मैं, जो इसका साइट पे इंफॉर्मेशन मैं वो आपको मैं शो कर रहा हूँ, मैं अपने इससे कुछ नंबर बड़ा चढ़ा के बोला आपने, जो सच्चाई है वो दिखाना मेरा काम है आप लोगों पर, बाकी आपकी मर्ज़ी है। देखिए 2008 में इसके डिविडेंड दिया इसने और 2007 में डिविडेंड दिया, अभी तक दो बार ही दिया शायद दिया होगा इसमें, ये साइट में मेंशन नहीं किया, मैं भी नहीं बोल सकता दिया नहीं दिया, लेकिन इसमें जो जो मेंशन है वही आपको मैं दिखा रहा हूँ, बल्क में शायद कुछ है बल्क में कुछ नहीं है, और रिजल्ट में देखिए क्वार्टर 3 क्वार्टर 2 का जो है ना इसका इसमें मेंशन किया हुआ है, क्वार्टर में मेंशन नहीं है, और फाइनेंशियल 18-19 का भी इसमें मेंशन किया हुआ है। देखो दिसंबर ये क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट था उसका जो है 55 का रेवेन्यू है, और सितंबर 19 में इसका 42 रेवेन्यू है, इसका नेट प्रॉफिट में देखेगा तो दिसंबर 19 का 6.66 करोड़ का है, ये 6 करोड़ 66 लाख का है, और सितंबर में माइनस में गया है, -10 करोड़ माइनस में लॉस में गया है एडिटिव शायद जो मेंशन किया यहाँ पर। और देखो नीचे चलते हम, और इसका न्यू दिल्ली टेलीविजन रिपोर्टेड पॉजिटिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन दिसंबर 19, द स्कोर हैज इम्प्रूव्ड टू 10 फ्रॉम -5 इन द लास्ट 3 मंथ, यानी कि इसका पॉजिटिव 10 में आया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेट देखा तो 10 पॉजिटिव दिया हुआ है इसका, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे क्या दिया इसने, ये देखिए शेयर प्रमोटर्स के बाद देखो 61.45% जो है ना प्रमोटर्स के पास है इसके शेयर्स है, यानी कि बेस्ट है कंपनी, 61% कंपनी रखी है तो बाकी का 40% हम सब लोगों के पास है, सब लोग आगे सुनते हैं DII FII रिटेल सब लोग आगे सुनते हैं 38.55% यानी 61.45% प्रमोटर से रखा हुआ है, बाकी का 38.5 जो है ना हम सबके पास है, यानी कि बेस्ट कंपनी आधे से आधे शेयर कंपनी के पास ही है, और मार्च 20 में सेम है, दिसंबर 19 में सेम है, सितंबर 19 में सेम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है इसके अंदर। और नीचे देखिए डिलीवरी पोजीशन में चलते हैं, 19 जून को जो डिलीवरी पोजीशन वाला क्वांटिटी ट्रेड जो था 12,029 का क्वांटिटी ट्रेड हो चुका हुआ है, डिलीवरी इन क्वांटिटी ग्रोथ भी सेम है, और परसेंटेज 100% दिया है इसने, परसेंट ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटीज में 100% दिया हुआ है, और VA मार्जिन में शायद कुछ नहीं दिया हुआ है, एक्सटेम लॉस कुछ नहीं है। आप हम नीचे चलते हैं पी ग्रुप में, जो NDTV को जो दूसरे चैनल से जो है कंपेयर किया गया है, NDTV जील UFO और रेडियो सिटी, देखिए रेडियो सिटी भी अच्छा ही है, और NDTV तो टॉप है, देखिए भले इसका प्रॉफिट कम हो लेकिन कंपनी अच्छी है समझे, मीडिया चैनल में देखा तो टॉप में है, बस इस वीडियो में इतना ही और कुछ नहीं दिया, जैसा इसका जो ना या मंडे या ट्यूसडे इसका जो रिजल्ट आने वाला है 90% या मंडे को आने वाला है इसका रिजल्ट, अब देखते हैं मंडे नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है, ट्यूसडे तो आ ही जाएगा, जैसे इसका जो नेट पर इसका Q4 का रिजल्ट आएगा साइट पे मैं आपको जल्द से जल्द उसका वीडियो बना के आप तक शेयर कर दूंगा मैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, जो लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए, और हमेशा से मैं कहता हूँ मेरा लास्ट वीडियो में आखिरी में हमेशा एक बात कहता हूँ, जो इन्वेस्टर जो नए इन्वेस्टर जो आ रहे हैं ये स्टॉक मार्केट में, पहले आप सीखिए 15 दिन महीना टाइम दीजिए सीखिए आप, उसके बाद ही आप इंटर कीजिए स्टॉक मार्केट में, ताकि आपका पैसा लॉस ना हो। देखिए बिना सीखे आएंगे तो आपको प्रॉफिट 0 ही मिलेगा, ऊपर से आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे सब ख़त्म हो जाएगा, बाद में आप परेशान हो जाओगे, फिर आपका दिमाग काम नहीं करेगा, उससे अच्छा है कि पहले आप सीखो, सीखिए आप इंटर कीजिए, इससे हमेशा कहता हूँ मैं फर्स्ट लर्न सेकेंड एंड पहले सीखो बाद में कमाओ, ये है मेरा सजेशन आप लोगों के लिए, आप आज के बाद आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है, लेकिन मैं जो है ना मेरी सलाह ये है कि पहले आप सीखो बाद में आप इंटर कीजिए स्टॉक मार्केट में। चलिए बस से आज की वीडियो में इतना ही है,
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे जो वीडियो देख रहे हैं और मैं वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं आप लोग, बहुत उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।